नामजद तहरीक इंसाफ पार्लियामानी पार्टी के इजलास में फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश की, तमाम अरकान ने खड़े होकर तायीद की। तहरीक इंसाफ का इकतदार चैलेंजेस से भरपूर है। रिवायती तर्ज हुकूमत अपनाया तो आवाम मुस्तरद कर देंगे, वादे पूरे करेंगे। बरतानवी तर्ज पर हर हफ्ते एक घंटा सवालात के जवाब दूंगा, इमरान खान का पार्लियामानी पार्टी के इजलास का खिताब। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात बनकर उभरी, आज हम मरकज में हुकूमत बनाने के काबिल हो गए, कोशिश होगी। अवाम की तो इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। 820 हलकों के नोटिफिकेशन तैयार, 20 के केस देरे समाज, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से तफसीलात तलब। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाज कल तक मुलतवी, नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल जारी रखेंगे, बुनियादी बार सबूत इस्तेगासा पर है, जस्टिस आमिर फारूक के रिमांड। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात खत्म, आज अपने प्यारों के पास पहुंच जाएंगे। शाहीन एयरलाइन का तैयारा मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना दवा, 214 मुसाफिरों में 27 बच्चे और 2 शीरखार भी शामिल। और आज कौम के बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 95वां यौम पैदाइश है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 12 सितंबर 1965 को लाहौर सेक्टर में दुश्मन का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत पेश किया।